यही होती है वाइल्ड लाइफ। अभी तो हमने नाइट कैंपिंग स्टार्ट नहीं की है, नाइट कैंपिंग करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो अभी बज गए हैं 4:20। क्या बात है, 420 टाइम भी देख रहे हो, 420 वाला हो रहा है हमारा। तो गाइस, गिरजा माता मंदिर से नीचे आते हुए जो रास्ता रामनगर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक कट पड़ेगा। ये है एक सीधा रास्ता जा रहा है और ये है पीपल का पेड़। यहाँ से अंदर की तरफ जाना है और ये एरिया ऑफ रोड का है। और मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कैमरे का जायरो सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो फुटेज अच्छी नहीं आएगी, थोड़ा शेकी होगा, तो मैनेज कर लेना। तो गाइस, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है ब्रिटिश पुल। तो गाइस, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। आगे जाके हमने जगह देखनी है और व्यू आप देख ही रहे होंगे। तो गाइस, यह है हमारी लोकेशन। यहाँ हम टेंट लगाएंगे, यहाँ पर हम आग लगाएंगे और आगे ये उली जमी पड़ी है काई। तो गाइस, अब हमारे दो काम बढ़ चुके हैं। ये भाई पत्थर ढूंढ रहा है, ठीक है, आग लगाने के लिए, और मैं तोड़ूंगा ये लकड़ियाँ। हेड माउंट मैंने आज ही लगाया है तो मेरे को पता नहीं एंगल कैसा आ रहा है। तो गाइस, लकड़ी ढूंढ रहे हैं, अब बस लकड़ी मिल जाए, क्योंकि वो लकड़ी हो रही है कुछ ज़्यादा ही बड़ी और वो अंदर से गीली है। अभी हमें लकड़ी नहीं, लकड़ा मिल गया है, पर इसका हमें काम नहीं है। इतनी बड़ी आग हमने लगानी नहीं है। छोटी छोटी लकड़ी कौन सी है, ये कांटे वाली है। हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है। ओ, मिल जा लकड़ी 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 लकड़ी, कहाँ है लकड़ी? ए लड़की लड़की, ओ मैंने लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो फाइनली हमें लकड़ी मिल गई है। ये लगता है नेचर ने हमारे लिए ही रखी हुई है। थैंक यू नेचर फॉर गिविंग दिस लकड़ियाँ। हम बोलेंगे इंग्लिश, क्या इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। खुश हो जाएगा भाई इतनी सारी लकड़ियाँ देख के, खाना बन जाएगा हमारा, और क्या चाहिए हमें। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप पे। बेस भाई ने बना के तैयार कर लिया है और आज कुछ बढ़िया तरीके से आग लगाई जाएगी। कैसी रही भाई लकड़ियां देख के, आया मज़ा?
चलो फिर आग लगाते हैं। मतलब आग तो हमने लगा ही रखी हर जगह, माचिस माचिस रखी हुई अंदर कैंप के अंदर। कैंप के अंदर हर बार की तरह हमने फिर बखेड़ा फैला रखा है, देख रहे हो, कहीं हमारा सामान रखा है, कहीं मैट रखी है, कहीं तौलिया है, कहीं मैगी है, कहीं चीनी है, कहीं दूध है, मतलब सब फैला रखा है। तो ये लकड़ियां आ चुकी हैं और ये भाई साहब विराजमान हो चुके हैं, आग जला ही जाए। अब इसके ऊपर रखेंगे हम छोटी छोटी लकड़ियां। चलो भाई छोड़ो, छोटी छोटी लकड़ियां रखो। अब बड़ी क्यों रख रहे हो भाई, छोटी वाली वो रखी है वो। काम करो, काम दिहाड़ी नहीं दूंगा फिर। कांटो वाली तो नहीं ना। चलो भाई, और हम लगाएंगे आग। यू देखो साथ में यार, तुम सूरज ढलने को है ना। काई जमी पड़ी है। और यह है पहाड़। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी। ये ब्यूटी नहीं है, ये तो नंगे पुंगे हैं। वैसे शूज भी मैचिंग के हो रहे हैं यार मेरे टेंट के साथ के, क्या बात है, फुल मैचिंग मैचिंग हो रही है। तो अब बारी है आग लगाने की। तो आग बहुत भीषण तरीके से जल चुकी है हमारी। अब हम डालेंगे दूध। देखा दूध गिर गया, अब शगुन हो गया। छोड़ो, हम तो मानते ही नहीं है शगुन, अब शगुन। अब इसको रखना है संभाल के, हाथ ना जल जाए। रख दिया। और ये है चीनी जो आमा ने हमें फ्री में दी, मैडम ने बाद में चाय भी पी यार उनकी। तो गाइस यहाँ हमारे लग चुके हैं एल। हुआ क्या, एक साइड से ही जल रहा था, सीधा करने के चक्कर में सारा दूध नीचे। तो आज लगता है खाली मैगी खा के ही गुजारा करना पड़ेगा। आज हमें कॉफ़ी नहीं मिलेगी, कल भी नहीं पी पाए हम, आज भी नहीं पी पाएंगे। कल दूध मिल गया था, अब तो वो भी नसीब नहीं होने वाला। तो फिर देखते हैं इसका कुछ बन जाए, पानी मिला के कॉफ़ी बना लें। देसी जुगाड़ जो होता है इंडिया लोगों का। कॉफ़ी थोड़ा सा दूध बच गया था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम बच गया था, पानी मिला के कॉफ़ी बना ली। तो गाइस मैगी तैयार हो चुकी है, आग वहाँ बुझने वाली है, सामने एकदम शांति का माहौल। तो गाइस बर्तन धुल चुके हैं, टेंट जो है वो हमने पैक करना है और उसके बाद हम जाते हैं घर। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, रब रखा, गुड नाइट।